मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। मुझे लगता है संस्कृत का पेपर आपको बहुत ही अच्छा गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने संख्यावाचक शब्दाः संख्या बोध पार्ट वन देखा हुआ था। उसमें हमने क्या सीखा था? 1, 2, 3 एंड 4, जो वो जो चार हमारे नंबर्स हैं उसके लिए लिंग भेद होता है, और पंच के बाद होने वाले जो नंबर्स है, आने वाले जो भी नंबर्स है, वो तीनों भी लिंगों में समान रहते हैं। हमने क्या देखा था? एकः वृक्षः, एका शिक्षिका, एकम पुस्तकम, एकः एका एकम, फॉर पुल्लिंगम एकः, फॉर स्त्रीलिंगम एका, एंड फॉर नपुंसकलिंगम एकम। द्वौ वृक्षौ, द्वे शिक्षिके, द्वे पुस्तके, मतलब पुल्लिंग के लिए क्या वर्ड यूज़ करना है हमें नंबर्स में, संख्या में? द्वौ। स्त्रीलिंग के लिए द्वे, और नपुंसकलिंगम के लिए भी द्वे। त्रयः वृक्षाः, तीसरः शिक्षिकाः, एंड त्रीणि पुस्तकानि। त्रयः, तीसरः, त्रीणि, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम। चत्वारः वृक्षाः, चतस्रः शिक्षिकाः, एंड चत्वारि पुस्तकानि। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, 1, 2, 3, 4 लिंग भेद रहता है। पंचवृक्षाः, पंचशिक्षिकाः, पंचपुस्तकानि, यहाँ पे लिंग भेद नहीं है। पंचवृक्षाः, पंचशिक्षिकाः, पंचपुस्तकानि, यहाँ पे लिंग भेद नहीं है। तीनों के लिए हमने पंच यूज़ किया, 5 trees, 5 teachers and 5 books, तीनों के लिए हमने क्या यूज़ किया? पंच। तो उसके लिए हमने पिक्चर्स भी देखे हुए थे, एकः वृक्षः, एका शिक्षिका, एकम पुस्तकम्। द्वौ वृक्षौ, द्वे शिक्षिके, द्वे पुस्तके। त्रयः वृक्षाः, तीसरः शिक्षिकाः, त्रीणि पुस्तकानि। चत्वारः वृक्षाः, चतस्रः शिक्षिकाः, एंड चत्वारि पुस्तकानि। एंड पञ्च वृक्षाः, पंच शिक्षिकाः, पंच पुस्तकानि। इसमें आपको क्या पता चला? 1, 2, 3, 4 चारों के लिए लिंग भेद रहता है, चार संख्या तक लिंग भेद रहता है। एंड आफ्टर 4 देर इज़ नो एनी लिंग भेद। जेंडर में कोई भी जेंडर हो, हमने पंच ही यूज़ करना है। अगर षड है तो षड ही यूज़ करना है। कोई भी जेंडर हो, 6 है तो षड यूज़ करना है, 7 है तो सप्त यूज़ करना है, उसके लिए लिंग भेद नहीं रहेगा। तो हमने 1, 2, 3, 4 में बाय हार्ट करके रखने हैं आपने ये, और वो अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए। एकः, एका, एकम। द्वौ, द्वे, द्वे। त्रयः, तीसरः, त्रीणि। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। यहाँ तक हमने लास्ट पीरियड में ही देखा हुआ था। इसके आगे अभी इस साल आपको 1 to 50 सब नंबर्स है। आपको ऐसे लगेगा अगर 1, 2, 3, 4 हमें ऐसे ही बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? एकः बोलेंगे, एका बोलेंगे या एकम बोलेंगे? उसके लिए आपने जब नंबर आप रिसाइट करते हो तो एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी ऐसे बोलने हैं। 1, 2, 3, 4 में एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी ऐसे बोलने हैं। सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे, संख्या 1 to 50। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, अष्ट के जगह पे अष्ट भी यूज होता है, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश। नवदश को 19 को और दूसरा वर्ड क्या है? एकोनविंशति ही, एकोनविंशति ही। एंड 20 को बोलते हैं विंशति ही। आफ्टर दैट एकविंशति ही, द्वाविंशति ही, त्रयोविंशति ही, चतुर्विंशति ही, पंचविंशति ही, षड्विंशति ही, सप्तविंशति ही, अष्टाविंशति ही, नवविंशति ही। नवविंशति ही को ही क्या बोलते हैं? 29 को एकोनत्रिंशत्, और 30 को बोलते हैं त्रिंशत्। आफ्टर दैट 31 एक त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्,
सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् एकोनचत्वारिंशत्। मतलब नवत्रिंशत् 39, उसको दूसरा नाम क्या है, एकोनचत्वारिंशत्, और 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत्। आफ्टर दैट 41, एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत्। त्रयश्चत्वारिंशत् जो 43 है उसको त्रिचत्वारिंशत् भी कहा जाता है। 44 को चतुश्चत्वारिंशत्। आफ्टर दैट पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् और उसे अष्टाचत्वारिंशत् भी बोला जाता है। नवचत्वारिंशत् 49, उसी को बोलते हैं एकोन पंचाशत्, और 50 को बोलते हैं पंचाशत्। इस तरह हमने सब नंबर बोल लिए हैं। आपको संख्या देंगे और आपने वो वर्ड्स में लिखनी है, और वर्ड्स दिए हैं तो आपने संख्या लिखनी है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, वो तो बहुत ईजी है। और दूसरा आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं। अंकानाम स्थाने संख्यावाचक विशेषण ही रिक्त स्थानानि पूरयत्, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नंबर 1- ग्रहाः सन्ति, ब्रैकेट में दिया है 9। 9 को नवदश बोलते हैं या नव, वो आपने डालना है। आंसर क्या आएगा हमारा, सोच के बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नवदश? नवदश का मीनिंग है 19, और नव, नव मतलब 9। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9। तो हमारा आंसर आएगा नव। नंबर 2, वृक्षे - खगाः तिष्ठन्ति, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चत्वारः और चतस्रः, 2 ऑप्शंस आर गिवन। 4 वर्ड्स वहाँ पे हमने लिखने हैं। खगाः, पहले इस खगाः वर्ड्स का लिंग पहचानना है। खगः पुल्लिंगम, खगः खगौ खगाः, ये पुल्लिंगम के है। पुल्लिंगम के लिए हमने, पुल्लिंगम के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है, चत्वारः चतस्रः चत्वारी, 3 ऑप्शन है हमारे। मतलब हम 3 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम। यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ऑप्शन दिए हैं, चत्वारः एंड चतस्रः। आंसर क्या आएगा, चत्वारः, वृक्षे चत्वारः खगाः तिष्ठन्ति। आफ्टर दैट नंबर 3, मम समीपे, यहाँ पे दिया है 36 रुप्यकाणि सन्ति, मेरे पास 36 रुपीस है, और ब्रैकेट में दिया है षड्विंशति ही एंड षट्त्रिंशत्। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ षड्विंशति ही, सोचो। विंशति ही मतलब 20, षड्विंशति ही 26, त्रिंशत का मीनिंग 30 है, तो षट्त्रिंशत मतलब 36। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, षट्त्रिंशत्। आफ्टर दैट नंबर 4, - कन्याः खेलन्ति, वहाँ पे 3 दिया हुआ है नंबर, 3 गर्ल्स आर प्लेइंग, क्या आना चाहिए आंसर, सोचो। 1, 2, 3, 4 हमने कितनी बार लिया, आंसर आएगा 30, क्योंकि पुल्लिंग के लिए यूज़ करते हैं त्रयः, स्त्रीलिंग के लिए 30 एंड नपुंसकलिंगम के लिए त्रीणी, और यहाँ पे कन्याः वर्ड है, कन्या इज स्त्रीलिंगम, सो अवर आंसर इज 30, दिस इज अवर आंसर। नव ग्रहाः सन्ति, वृक्षे चत्वारः खगाः तिष्ठन्ति, मम समीपे 36 रूप्यकाणि सन्ति, 30 कन्याः खेलन्ति, दिस इज अवर आंसर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, - पुराणानि सन्ति, पुराणानि पुराणास, हमारे इन जो हिंदू कल्चर है उसमें कितने पुराण है, 18 पुराणाज आर देयर। तो यहाँ पे 18 जो नंबर दिया है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अष्टादशाः या अष्टादश, व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज अष्टादश। 18 को क्या बोलते हैं, अष्टादश। आफ्टर दैट नंबर 6, शिविरे 16 दिया है, बालकाः सन्ति, शिविर रहता है उसमें कितने, कितने बालकाः, कितने बॉयज़ हैं, 16। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, षोडश और षट्चत्वारिंशत्, 2 ऑप्शंस दिए हैं। षोडश का मीनिंग 16 और षट्चत्वारिंशत् उसका मीनिंग है 46, और आंसर इज षोडश। नंबर 7, पाठशालायां - कक्षाः सन्ति, वहाँ पे 43 दिया है। पाठशालायां स्कूल में, हमारी स्कूल में कितनी कक्षा है, कक्षा मतलब क्लासेस, कितने हैं, 43 क्लासेस है, ऐसा यहाँ पे है।
43 को हम क्या बोलेंगे, त्रयस्त्रिंशत या त्रिचत्वारिंशत। त्रयस्त्रिंशत का मीनिंग क्या होगा, 33, एंड त्रिचत्वारिंशत का मीनिंग होगा 43। सो आवर आंसर इज 43। आपने 1 to 50 अच्छे से बायहार्ट करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, तो आप कोई भी आंसर लिख पाएंगे। और 1, 2, 3, 4 जेंडर वाइज लिंगानुसारम विभाजन, वो भी आपने अच्छे से करना है, तो ही आप आंसर सॉल्व कर पाएंगे। नंबर 8 डैश महिला हा संभाषणम कुर्वन्ती, 4 दिया है। 4 को क्या बोलेंगे, चतस्रह और चतवारह दोनों आंसर से, लेकिन यहाँ पे महिला हा, 4 महिला संभाषण मतलब कन्वर्सेशन कर रही है, तो महिला इज स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम के लिए हम 4 के लिए क्या यूज़ करेंगे, चतस्रह, चतवारह, चतस्रह, चतवारी, ये लाइन आपकी बाय हार्ट होनी चाहिए। तो चतस्रह इज फॉर स्त्रीलिंगम, महिला इज स्त्रीलिंगम, सो चतस्रह महिलाः संभाषणम कुर्वन्ति, दिस इज अवर आंसर। 18 पुराणानि सन्ति, शिबिरे 16 बालकाः सन्ति, पाठशालायां 43 कक्षाः सन्ति, चतस्रह महिलाः संभाषणम कुर्वन्ति, दिस इज अवर आंसर। सो हमने संख्यावाचक शब्दाः में क्या क्या सीखा, एकः, एका, एकम, पुल्लिंग के लिए एकः, स्त्रीलिंग के लिए एका यूज करना है, और नपुंसकलिंगम के लिए एकम। द्वौ, द्वे, द्वे, द्वौ इज फॉर पुल्लिंगम, द्वे यूज फॉर स्त्रीलिंगम, एंड अगेन द्वे इज यूज फॉर नपुंसकलिंगम। त्रयः, तीसरः, त्रीणि, इट इज यूज फॉर थ्री के लिए यूज होता है, पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तीसरः, एंड नपुंसकलिंग में त्रीणि। आफ्टर दैट 4 के लिए हम पुल्लिंग में यूज क्या करते हैं, चत्वारः, स्त्रीलिंग में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, चतस्रः, एंड नपुंसकलिंगम में चत्वारी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1, 2, 3, and 4 जैसे एकः वृक्षः, एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः, चत्वारः बालकाः, और एका बालिका, द्वे बालिके, तीसरः बालिकाः, चतस्रः बालिकाः, एकं फलम, यहाँ पे पुस्तकम है, एकं फलम, द्वे फले, त्रीणि फलानि, चत्वारि फलानि, पंच ऑनवर्ड, पंच और उसके बाद, 5 and after that, after 5 देर इज नो एनी लिंग भेद, तीनों लिंगों के रूप समान रहते हैं, पंच और पंच के बाद तीनों लिंगों के रूप समान होते हैं, यहाँ वो हमने अच्छे से याद रखना है। सो उसके बाद एक बार हम वापस सब नंबर सबके रिसाइट करेंगे, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारी, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पञ्चदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पञ्चविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, एंड त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, और पञ्चाशत्, दिस इज लास्ट। सो आपने अच्छे से पढ़ने हैं, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ संख्यावाचक शब्दाः प्रॉपरली। सो थैंक यू।